गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आपको अपडेट लेके आया हूँ मैं, स्नो की अपडेट है, क्योंकि स्नो काफ़ी दिन से यहाँ पे पड़ नहीं रही है। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे लाहौल की पहाड़ियाँ, थोड़ी हवा चल रही है, शायद आवाज़ भी मेरी कट के आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे, मतलब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लाहौल स्पीति के एरिया में, तो यहाँ पे भी स्नो तो अभी आ नहीं रही है। थोड़ा मौसम बन रहा है, 26 तारीख के बाद कुछ अपडेट है कि 26 तारीख के दौरान आपको स्नो मिल सकती है। तो अगर आप आ रहे हैं तो 26 के बाद मतलब आने का ट्राई कीजिए। न्यू ईयर में भी आपको हो सकता है कि स्नो आपको मिले। न्यू ईयर 5 तारीख तक आपको थोड़ा सा, अभी स्नो नहीं पड़ रही क्योंकि मानसून नहीं है, पर बादल तो है। ये देखिए, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए व्यू है यहाँ का, अभी बादल तो है, थोड़ा सा मौसम तो बन रहा है, इस तरफ वो क्लियर भी है मौसम। और यहाँ की चिनाब नदी है, चिनाब रिवर जो कि है, ये देखिए यहाँ पे हाईवे आपका लेह लद्दाख वाला हाईवे जो है यहाँ पे, ये नदी के पास यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए टूरिस्ट लोग काफ़ी जमा हुए हैं। इस तरफ को आपकी स्नो बहुत अच्छी है, तो अभी नई ताज़ा स्नो का इंतज़ार, तो देखते हैं कब तक स्नो आती है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बाकी देखते कैसा रहता है। किसी भी वक्त ताज़ा ही स्नोफॉल देखनी है, स्नोफॉल तो नहीं है पर ये जो है, ये रात को पानी जम जाता है, क्योंकि रात को इतना कम टेम्परेचर होता है यहाँ पे कि भाई माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ देखिए जो पानी बह रहा था वो अपना, उसकी स्नो फ्रीज हो जाता है, मतलब पानी। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए फ्रीज हो चुका है पानी, और किसी हिसाब से जो है यहाँ पे इसका वो बन गया है, यहाँ पे क्रिस्टल क्रिस्टल बन चुके हैं। इस टाइम माइनस में जाता है ना रात को। तो दोस्तों अभी सिसु पहुँच गया हूँ। सिसु में क्या है कि थोड़ा सूखा ही पड़ा है, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। तो ये देखिए व्यू जो है, इधर ऊपर की ओर स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पीछे के एरिए में। तो इधर भी कुछ मौसम बना हुआ है, सिसु का व्यू इस टाइम, ये देखो सिसु का व्यू है इस टाइम। स्नो तो काफ़ी हद तक जा चुकी है, पर ऐसा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। ये देखिए आपका जो झरना है सिसु का वाटरफॉल, ये इस टाइम काफ़ी हद तक जम चुका है, बहुत मिनिमम से पानी यहाँ से बह रहा है। और ये आपका व्यू है यहाँ का, ऊपर हाइट हाइट में कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे आपका स्नोफॉल, थोड़ा 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 स्नोफॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी पीछे को बना हुआ है आपका स्नोफॉल का। तो बाकी तो ये एरिया इस टाइम ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल आपको दिखेगा, यहाँ स्नो जा चुकी है काफ़ी हद तक, और ऐसा कि नई फ्रेश स्नो का हम वेट कर रहे हैं। देखिए खोक्सर में टूरिस्ट इस प्रकार दिखेंगे आपको, यहाँ पे छोटे छोटे मैगी पॉइंट बने हुए हैं, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी है। और ये देखिए यहाँ पे लोट पोट हो रहे हैं लोग स्नो के बीच में। और भुट्टे मिलेंगे आपको यहाँ पे, भुट्टे। और तो दोस्तों अभी इस टाइम खोक्सर पहुँच चुका हूँ। खोक्सर मेरे पीछे तो बैक साइड एरिया दिख रहा है, मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्नो भी है थोड़ी बहुत, ये काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी है, जम गई है, पर अच्छी है, खेलने लायक तो है ही है। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइम खोक्सर में इस तरह की स्नो है। ये यहाँ पे एक नाला सा जा रहा है यहाँ पे, तो ये इस नाले के पास ये पीछे से आ रहा है। ये देखिए मौसम तो कुछ बन गया है, वैसे मौसम तो बन गया है थोड़ा बारिश या फिर स्नोफॉल का, तो देखते हैं अभी यहाँ पे हो जाती है स्नोफॉल या फिर नहीं। तो इस टाइम ये देखिए इधर नदी है, इधर आपका मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इस नदी के पास जाके। देखिए इसके साइड में पानी, रात को टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि यहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाता है। और फोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए यहाँ पे पानी चल रहा है, और पानी जो है साथ में जम गया है, यहाँ देखिए चलता चलता पानी जम गया है, और ये वो ऊपर से आ रहा है, ये
और इस टाइम खोक्सर इस तरह का दिख रहा है, स्नोफॉल का वेट हो रहा है यहाँ पे भी, हमें भी स्नोफॉल का इंतज़ार है, तो स्नोफॉल हो जाती तो बढ़िया हो जाता, तो टूरिस्ट के लिए तो ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि स्नोफॉल का आपको भी व्यू दिखाते फिर यहाँ पे घर बैठे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो नए लोग देख रहे हैं, और लाइक शेयर करते रहिए जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा। तो अभी के लिए अलविदा, बाकी नेक्स्ट अपडेट आपको आती रहेगी, जैसे जैसे यहाँ स्नोफॉल का बनेगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक बड़ी गुड बाय।